नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं बछौली पंचायत, जो कि खानपुर में पड़ता है। वहां पे मैं आपको बता दूं कि मुर्गिया चक में है। आप देख लीजिए, कहते हैं कि दुनिया जो है चांद पे पहुंच गया है, और मैनुअल मीटर से जो है प्री मीटर पर पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पर जेई साहब का जो है मनमाना यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ट्रांसफार्मर लगभग जो है 15 दिनों से यानी कि फूका चुका है, जल चुका है। लेकिन ये कह रहे हैं, जेई साहब का कहना है कि यहाँ पे जो है सो मतलब ऐसे उपभोक्ताओं को ही हम दे पाएंगे जो उपभोक्ता जो है मतलब बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या कर दिए हैं। मतलब बताते चलें आपको कि जो उपभोक्ता मतलब बिल नहीं जमा कर चुके हैं उनका तो ये काटेंगे ही, लेकिन जो लोग जमा भी कर चुके हैं उनका भी ये जो है कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं। और उनके तरफ से जो एस्टीमेट था इस वार्ड का, यानी कि वार्ड नंबर 2 का एस्टीमेट जो है पूरा चला गया है। चलिए हम आपको कुछ लोगों से बात करके सुनाते हैं इस 41 डिग्री टेम्परेचर में उनका हाल क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन के सरकार हैं, वो कहते रहते हैं कि हर घर बिजली हर घर जल, वो योजना में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है खानपुर खंड का, जहाँ पे जो है जेई की मनमानी है। वो फोन पर कहते हैं कि हम बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि उपभोक्ता जो है जमा नहीं कर पाते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली पे करते हैं फिर भी उनको ये असुविधा क्यों हो पा रही है उसकी जानकारी लेते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। विनय जी, आपका घर कहाँ हुआ? घर बगले में पड़ोस है। पड़ोस में है, मतलब वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 है, मतलब आप बिजली का रेगुलर मतलब उपभोक्ता हैं। मतलब आप पेमेंट कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। लेकिन आपके घर में बिजली जल रही है अभी? नहीं जल रही है। क्या समस्या है? ट्रांसफार्मर जल गया है। ट्रांसफार्मर जल गया है। जेई को बोले तो क्या बोला? जेई तो फोन ही नहीं उठाता है। जब फोन उठाता है तो कहता है कि ड्यूज है, फलना है, चिलना है, कल आएंगे, परसों आएंगे। लेकिन आपका पेमेंट पूरा क्लियर हो चुका है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा भोली भाली जनता को किस प्रकार से बगराया जाता है, किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति, एक शख्स है जो पूरा का पूरा पेमेंट कर चुके हैं, फिर भी इनके घर में बिजली नहीं जलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति 12-13 लोग थे उनका जो है कनेक्शन दूसरे ट्रांसफार्मर पर कर दिया गया है, लेकिन इनका इस ट्रांसफार्मर पर जो है नहीं किया गया है। चलिए हम आपको और भी ऐसे उपभोक्ता हैं उनसे बात कराते हैं। पानी की समस्या ना है? देखिए, पानी की भी समस्या तो हो रही है। मोहताज है लोग, गंडक जाता है पानी, गंडक जाते हैं पानी पीने के लिए। मतलब क्या समस्या होता है? यानी जल नल नहीं चलता है लोग को। देखिए, बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण यहाँ पे जल नल की भी समस्या हो रही है। जल नल भी में भी जो है मतलब वो चलेगा नहीं तब तक आपूर्ति नहीं हो पाएगी। और ये लोग जो है जल के लिए भी जो है यहाँ पे मसनीब नहीं हो पा रहा है। चलिए और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं, जिनका बिजली भी जो है भुगतान कर चुके हैं फिर भी नहीं ले पा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष जी, मतलब आपका पेमेंट हो चुका है क्या? जी मतलब रेगुलर पेमेंट है। देखिए, रेगुलर पेमेंट आप कर चुके हैं बिजली बिल का, फिर भी आपका जो है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बोर्डिंग का भी, मेरा बोर्डिंग का भी कनेक्शन नहीं है। मतलब फसल में बर्बाद हो रहा है। 2.5 बीघा मकई सूख गया है, परवल का खेती भी सूख रहा है। यहाँ के दुकान का लाइन है, 10 दिन से बंद है। ठीक है, दुकान का मेरा बाधित जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मनीष जी हैं और इनका जो है पेमेंट अप टू डेट है, फिर भी जेई का जो है यहाँ पे मनमाना है। कुछ ऐसे 10-12 लोग हैं उनका कनेक्शन दूसरे पॉल से कर दिया गया, दूसरे ट्रांसफार्मर से कर दिया गया, लेकिन यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो जल नल से पानी लेते हैं, पीते हैं, उनका जो है सो मतलब समस्या अभी है। और वो जो है मतलब अभी नहीं जोड़ा गया है। और वो कह रहे हैं, मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊँगा जेई का, जो वो क्या बोलते हैं। मेन समस्या यहाँ के जल नल का, ठीक है, पानी की समस्या है। ठीक है, पानी के लिए तरस रहा है, पछिया हवा चला, पानी की प्यास में ज़्यादा लग रहा है। यहाँ के लोग प्यास पानी के लिए मर रहा है आदमी। यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी के लिए भी, और भी महिलाएं से बात कराते हैं हम आपको। देखिए, बिजली के लिए जो है ना इनको क्या क्या समस्या हो रही है आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी। मतलब आपका घर वार्ड नंबर कितना में है? 2 में। कहाँ पे? मुर्गिया चक? यही घर है। मतलब क्या समस्या हो रही है बिजली नहीं होने के कारण? चल गए हम तो लाइन नहीं दे रहा थी ना। सब आदमी के कहे तो कोई फोन करे थी तो जे फोन नहीं उठबे थी। आई काल के रहन यह बात है, लाइन नहीं दे रहा, अंधेरा रहे है। पानी के लिए हमारे जाए गंडक, पानी का भी बहुत समस्या हो रहा है। समस्या है, गंडक जाए पानी आने तब कपड़ा लत्ता चाहे नहा के अब वहाँ से तब यहाँ कुछ हो रहा है साफ। हमारा आर के ना जले नल से पानी चल रहे है, कल नहीं है।
देखिए यहाँ पे जल नल और जो है मतलब बिजली दोनों तरह से जो है यहाँ पे बहुत भारी किल्लत है और यहाँ पे लोग जो है बहुत समस्या का सामना कर पा रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु देवी आपका नाम हुआ, मतलब बिजली पेमेंट नहीं करते हैं आप? हाँ करते हैं, पेमेंट पेमेंट कर चुके हैं आप? आपका एक भी रुपया जमा मतलब नहीं हुआ है, ऐसा है? नहीं, टोटल। देखिए यहाँ पे जितने भी उपभोक्ता है, जितने भी कंज्यूमर है, सारे के सारे पेमेंट कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर को नहीं बनाया जा रहा है। और जेई के तरफ से सरासर कहा जा रहा है कि आपको अगर बात करना है तो वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए और आप वहाँ से करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे नजराना मिलेगा वहीं पे काम होगा, नजराना नहीं मिलेगा तो ये आम जनता जाएगा तो जाएगा आखिर कहाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप स्थान है ये खानपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, बछौली पंचायत में मुर्गिया चक है ये। और मुर्गिया चक में मैं अभी मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दो नंबर वार्ड है और यहाँ पे जेई का इतना मनमानी है। मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊँगा जेई का, जिनसे हमको बात हुई है और वो क्या कह रहे हैं। बाकी बातों के लिए देखते रहिए बीटी न्यूज़ बिहार। नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद।